जहां एक तरफ शासन प्रशासन इस कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में लगा है, अस्पतालों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए प्रशासन द्वारा दिन रात प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं भगवानपुर रोड पर बने मां गंगा ऑक्सीजन प्लांट का मामला सामने आया है, जहां पर सुबह 4 बजे से ही लोग ऑक्सीजन लेने के लिए गेट पर खड़े रहे, लेकिन उन्हें कई घंटे गुजारने के बाद भी ऑक्सीजन नहीं दिया गया, जबकि मां गंगा प्लांट से ऑक्सीजन की गाड़ी भरकर कहीं भेजी जा रही थी। कहां से आप आए और क्या नाम है? तो नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिली सर, ऑक्सीजन की वजह से एक्सपायर हो चुकी है। मैंने क्या बोला? बोले सुबह से 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा सुबह से टाइम हो गया, ना तो मना कर रहे ना सिलेंडर दे रहे। और क्या बोल रहे? थोड़ी देर बाद पहले बोला था बोल दो सुबह शाम होगी, दो पेशेंट और वो निकल लेंगे, फिर और क्या होएगा हमारे साथ? एक पेशेंट की मृत्यु हो गई, अभी फोन बात करी थी। वहीं जब बाहर खड़े लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट के मालिक से बात करनी चाहिए तो ऑक्सीजन प्लांट के मालिक और मैनेजर ने लोगों से अभद्रता की। वहीं नोएडा से आए इकलाक नाम के व्यक्ति का कहना है कि मेरे परिवार के 3 सदस्य नोएडा अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की अभी 1 घंटे पहले ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से जान चली गई, लेकिन ये माँ गंगा ऑक्सीजन प्लांट मालिक हमारी सुनने को तैयार नहीं है। क्या प्रॉब्लम, क्या समस्या आ रही है? मैं यहाँ पे सुबह आया 9 बजे गैस लेने के लिए, मेरी मौसी जी एडमिट है, उनके पास आस पास ऑक्सीजन दिल्ली मैंने सारे पेपर हॉस्पिटल के लेकर आया जो फॉर्मेलिटी मांग रहा, और भी पब्लिक यहाँ पे खड़ी है, लेकिन हमने बात करनी चाहिए। मैंने कहा ये पेपर है, हमें सिलेंडर के लिए आए हैं, तो अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। मैनेजर साहब हमारे से गंदी लैंग्वेज में गाली देकर बात करते हैं, कहले कोई सिलेंडर यहाँ पर नहीं मिलेगा। हमारे सामने यहाँ से 10 गाड़ी जो है ना, हमारे पे वीडियो भी है उसकी जो हमने बनाई है, 10 गाड़ी यहाँ से जो है दिल्ली नंबर प्राइवेट इनोवा में यहाँ पे सिलेंडर भर भर के जा रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक यहाँ पे सड़क पर तरस रही है। इन्होंने साफ इनकार कर दिया, कह लगे यहाँ पे कोई गैस नहीं देंगे, जहाँ से हम दे रहे हैं वहाँ पे जाएगी, अंदर से गाड़ियाँ लोड हो रही है और लोड होकर जा रही है। बताइए हम क्या करें? इससे तो यह है कि हम यही पेशेंट को ला के यहीं पर गैस एजेंसी के सामने यहीं पर उन्हें मरने के लिए छोड़ दें। बताओ कहाँ जाए हम इस हालत में, कोई हमें देखने वाला नहीं है, और अब मीडिया वाले आए तो मीडिया वालों पर भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हम फैक्ट्री वालों से भी, प्रशासन से भी सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें कि हमें सिलेंडर दिलवाया जाए। बताओ कहाँ पे जाएंगे हम? हमारे घर वाले मरने के लिए तैयार बैठे, और इस पे कोई फर्क नहीं, पैसा कमा रहे कि उसमें लग रहा है, पैसा कमाया जा रहा है यहाँ पे। देश में एक तो वैसे ही ऑक्सीजन और बेड की कमी है, और ऐसे में अगर ऑक्सीजन प्लांट के मालिक लोगों को ऑक्सीजन देने की बजाय उनसे अभद्रता करते हैं तो जरा सोचिए हालात कैसे हो जाएंगे। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए इंतजार रजा की रिपोर्ट।